जैसे बच्चों को ही लें तो बच्चों को वर हमारे को पढ़ना बोलना बार बार पड़ता है, या पढ़ने बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए आया मतलब खत्म, तो बोलना ही नहीं चाहिए कि पढ़ने बैठो? आप पढ़ो ना, आपको किसने मना किया? तो फिर फिफ्थ क्लास तक बच्चे के मार्क्स मम्मी के मार्क्स होते हैं। हाँ, तो वो जब मम्मी बिठाती है बाजू में पढ़ तभी होते हैं। बाजू में बैठ के आप क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ा, फिफ्थ तक पढ़ लिया। जिस पढ़ाई से आप बोर हो गए हैं उसमें उसको धकेलते रहते हैं। यदि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है तो आप भी तो पढ़ो। यदि आप बैठ के पढ़ोगे, यदि घर में पढ़ने पढ़ाने का वातावरण होगा तो बच्चा भी किताब लेके बैठ जाएगा। नहीं, सबके इंटरेस्ट अपने अपने रहते हैं ना। जैसे मैं टीवी नहीं देखती, मुझे पेपर पढ़ना कभी पसंद नहीं था, आज भी नहीं पसंद है। तो फिर उसको क्यों परेशान कर रहे? बाकी तो सबको इंटरेस्ट है, अपना अपना। तो इसका मतलब ये हुआ, कि एक बार जब आप सामने वाले को जिंदगी से बात करते हो, तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्तों का हाल कैसा है, आज दोस्तों के साथ क्या किया, क्या खेले, तुम्हारा वो दोस्त कैसा है, एक बार वो रिलेशन जुड़ जाए। बच्चा रिलेशन पहचान ही नहीं पा रहा है, उसको लगता है कि बस ये पढ़ने के लिए बोलती है, खाना खाने के लिए बोलती है, उठने के लिए बोलती है, स्कूल जाने के लिए बोलती है, मेरे से बात नहीं करती है। एक माँ होके, एक पत्नी होके, एक पति होके हम सही मायने में देखें कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या एक दूसरे की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बातचीत करते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जिंदा रहने के धरातल पर हमारी योग्यता शरीर से बातचीत करने की होती है, आदमी से बातचीत करने की हमारी योग्यता होती भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी के बीच में संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है या संवादहीनता बढ़ती हुई दिखाई देती है। संवादहीनता, जोर से बोलो, संवादहीनता बढ़ती हुई, संवाद बढ़ती हुई, क्योंकि बात करने का टॉपिक ही नहीं बचा। चल दोनों मिलकर टीवी देख लेते हैं।